मोहन श्रीवास्तव एक बदनाम नाम, सबसे गंदा नाम, जो कोई भी लेना गया में पसंद नहीं करता है, जिसने चकला घर से और दूसरों के लिए खाना पकाकर अपनी जिंदगी का आरंभ किया, आज राजनीति में, राजनीति के गलियारे में जैसे तैसे येन केन प्रकरण गया में गंदे राजनीतिक के रूप में उभरा और कई लोगों से उनके विवादास्पद हैं। यही नहीं, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी काफ़ी विवाद है। उनके घर में कई लोगों की मृत्यु हो गई है, जिससे ये झलकता है कि उनके घर में काफ़ी विवाद है। राजनीति में भी वो काफ़ी विवादित माने जा रहे हैं और सारी जनता कम से कम गया की उन्हें एक अभद्र नागरिक, अभद्र व्यक्तित्व, अभद्र राजनीतिज्ञ के रूप में जानता है। हाल ही में उन्होंने गया में जो प्रतिष्ठित जदयू के कार्यकर्ता हैं राजू वर्णवाल जी पर उन्होंने केस पता नहीं कब किया है, या उनका यूं कहें केस करने का धंधा राजू वर्णवाल को किसी तरह से नीचा दिखाने का धंधा वो करते आ रहे हैं। अब हम राजू वर्णवाल जी से बात करेंगे कि क्या इस मामले में हुआ है। जी राजू जी, मेरा नाम राजू वर्णवाल है और इसी गया शहर में रहते हैं। मोहन श्रीवास्तव डिप्टी मेयर हैं, उनके द्वारा जब हम चुनाव 2015 में चुनाव लड़ रहे थे, नवंबर का महीना था और 12 तारीख को हम पे सिविल लाइन थाने में एक केस की गई। उस केस में किडनैपिंग का आरोप लगाया गया और किडनैपिंग जिसका हुआ वो पटना का आदमी था। उनसे जमीनी हमारा विवाद चल रहा था, उन्होंने कहा कि मेरा किडनैप राजू वर्णवाल के द्वारा किया गया और मोहन जी उसमें एकदम सभी जगहों पे ले जाकर करके हम पे किडनैपिंग केस कराए। उसके बाद जब 12 तारीख को यहाँ के सभी पदाधिकारी, जो आला दर्जे के पदाधिकारी हैं और सभी लोगों के बीच में आना जाना, सामाजिक सोशल वर्कर रहने के कारण सभी लोगों के बीच में आते जाते रहते हैं, तो सभी लोग जानते हैं, हमको व्यक्तिगत जानते हैं कि हम किस छवि के आदमी हैं। तो जब पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ी गई हमको, तब इनको लगा कि प्रॉब्लम हो जाएगा, कहीं इलेक्शन में जीत जाए, किसी तरीके का मेरा आधारशिला जो है, आधार जो है मेरा जमीन पे रहने वाला, उसमें मजबूती आ रही थी। तो वो 14 तारीख को फिर पटना में एक किडनैपिंग केस, रामकृष्ण नगर थाना में एक किडनैपिंग केस, और उसी आदमी के द्वारा, उसी व्यक्ति के द्वारा किडनैपिंग केस कराया गया और उसमें भी मोहन श्रीवास्तव जी थे। और मोहन श्रीवास्तव जी ने केस कराया कि राजू वर्णवाल गए 3 बजे भोर में ले आए। दूसरी केस 16 तारीख को यहाँ इलेक्शन था और वोट देने हम जा रहे थे, तो 7:30 बजे 7:45 बजे कोतवाली थाने से फ़ोन आई कि एक आप पर केस हुआ है। हम बोले किस चीज़ का, तो मोहन श्रीवास्तव जी उसमें पैरवी कर रहे हैं, 50 लाख रुपए का डिमांड आपने किया है किसी से। हम बोले श्रीमान, मेरा काम नहीं है, मेरा काम है बिजनेस व्यापार और लोगों का सेवा करना मेरा काम है। तो तीसरी केस की गई। मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध है कि हम गया के धरती पे रहते हैं और उस धरती पे रहते हैं जिस धरती पे भगवान साक्षात यहाँ पे चलकर पैदल चलकर के आए हैं। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग, सभी लोग एक दूसरे का पूरक बन के जीते हैं। मोहन श्रीवास्तव एक ऐसे गंदे व्यक्तित्व का नाम है जो सभी लोगों को लगातार फंसाने का काम करते रहता है और हम पे एक आरोप लगाया है 2015 में जो केस हुई पटना में, उसमें हम फाइनल लगवा दिए, फॉल्स केस हुआ, यहाँ भी फॉल्स केस हुआ और पटना वाला जो केस है वो भी फॉल्स हुआ। लेकिन हमसे गलती क्या हुई कि मैं केस कभी अपने जीवन काल में लड़ा नहीं और केस का बहुत आइडिया नहीं रहने के कारण हम वहाँ देख नहीं सके। उसने किया कि मेरा जो फाइनल रिपोर्ट पुलिस प्रशासन के तरफ से लगा, रिपोर्ट 2, उसको उसमें उसके पहले प्रोटेस्ट कर दिया और प्रोटेस्ट करके जो वहाँ से नोटिस इशू होता है उसको चपवा दिया और डायरेक्ट वारंट निकलवा दिया, जिसको हम क्वेश्चनिंग के लिए कोर्ट में माननीय न्यायालय में दिए हुए हैं। आज क्वेश्चनिंग हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, वारंट उनका क्वेश्चन हो जाएगा। हम आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि मोहन जी गया शहर के डिप्टी मेयर हैं। अभी हाल के दिनों में 1 साल पहले नाबालिग लड़कियों के साथ में आपने देखा होगा कि पटना में लड़कियों के साथ रंगे हाथ पकड़े गए थे और नाबालिग लड़कियां थी और उसने गया शहर को शर्मसार कर दिया, सभी पेपर में, पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में छाए रहे। तो गया स्वाभिमान का धरती है और इसमें अलंकृत करते रहते हैं, गंदे तरीके से अलंकृत करते हैं गया शहर को।
दूसरा गया में स्वर्ग लोक पार्लर के माध्यम से इन्होंने जो किया वो भी सभी लोग गया शहर की जनता जो मतदाता हैं, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, शहर के धरती से जिनका चरण स्पर्श होता है, सभी लोग जानते हैं कि स्वर्ग लोक में क्या होता था उनके पार्लर में। तीसरा लगातार इसी तरीके का काम करते हैं। जैन समाज के लोग अभी जो यहाँ पे रहते हैं उनकी घड़ी की दुकान है, उनके दुकान पे चढ़ के अपने हाथों से मारा, जिसका वीडियो कैमरा है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, अपने हाथों से जैन समाज को मारा है। जब उसने केस किया तो किसी महादलित परिवार को खड़ा कर करके उस पर केस दबाव बना कर करके कि केस वापस ले ले, उसके लिए महादलित परिवार के लोगों से केस कराया। चौथा, इन पे TVS का जो शोरूम है वो 10 वर्षों से किराया नहीं दे रहे हैं और कब्जा किए हुए हैं। जो शहर का एक गणमान्य आदमी हैं, उनका वो बिल्डिंग है, उसने अपने जीवन में पैसा मेहनत करके कमा कर करके उसको बनाया, उनसे लाभ किसी तरीके से लोग लुभावना करके किराया में लेकर करके, और अभी तक किराया 10 वर्षों से किराया नहीं दे रहे हैं और केस लड़ रहे हैं। उसके बाद मेरा एक बिल्डिंग स्वराजपुरी रोड में बन रहा है, मुख्य कारण यही है। स्वराजपुरी रोड में जो बिल्डिंग बन रहा है उस बिल्डिंग में TVS का शोरूम वहाँ भी खोलना चाहते हैं, और जिस तरीके से TVS का शोरूम सिविल लाइन थाने के सामने कब्जा किए हुए हैं, उसी तरीके से स्वर्ग वहाँ स्वराजपुरी रोड वाला बिल्डिंग में भी कब्जा करना चाह रहे थे। ये आपात 10-20 लोगों के साथ में हमारे बिल्डिंग में घुस गए, जिसका वीडियो हमारे पास है, जिसका पूरा साक्ष्य है किस समय घुसे, कैसे घुसे, और घुस करके पूरा सामान को न्यूसेंस कर रहे थे। हम वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में दिए, पदाधिकारी थाने के लोग वहाँ पे गए, पकड़ कर करके लेके आए, सिविल लाइन थाने में लेके आए, उन्होंने बॉन्ड बना के दिया कि आज के बाद हम राजू बर्णवाल के प्रीमिसेस में नहीं जाएंगे। उसके बाद हमने उन पे केस किया। अभी इलाहाबाद में उन पे 420 का एक केस हुआ है, जिसका पूरा साक्ष्य है हमारे पास में। इलाहाबाद में एक 420 का इन पर केस हुआ है। एक इसी तरीके का केस मंगोलपुरी थाना दिल्ली में भी हुआ है, जो जिसमें 5 करोड़ रुपए का इन्होंने मांग किया है, एक सभ्य फैमिली के लोगों से इन्होंने 5 करोड़ रुपए का मांग किया है। तो इनका पुराना धंधा है और ये पुराना धंधा छोड़ नहीं पा रहे हैं, और हमको गया शहर की जनता हमको जानती है और मोहन श्रीवास्तव जी को भी जानती है कि मोहन श्रीवास्तव जी का छवि और हमारा छवि कैसा है। हम आपके माध्यम से जिले के सभी पदाधिकारियों से आग्रह और अनुरोध करते हैं कि मोहन श्रीवास्तव जी के द्वारा षड्यंत्र रच कर करके और वारंट इश्यू करा के नोटिस हमको नहीं मिला, और वो उस केस में जो केस फाइनल हो गया है, फौजदारी हम पे किडनैपिंग कराया गया था, और किडनैपिंग उस समय कराया गया जिस समय हम चुनाव लड़ रहे थे 14 तारीख को, उस समय किडनैपिंग केस कराया गया। गया में सिविल लाइन थाने में केस कराई गई, दूसरी केस पटना में रामकृष्ण नगर थाने में कराई गई, और तीसरी कोतवाली थाना में, लेकिन मेरे आग्रह पे मैंने मनु महाराज SSP साहब थे यहाँ पे, मैंने उनसे आग्रह किया कि श्रीमान आप वरीय पदाधिकारी हैं, आप जांच लीजिए, हम 50 लाख नहीं, हम इस गया के धरती को अगर अलंकृत नहीं कर सकते हैं तो मोहन श्रीवास्तव जी के तरह कुकृत्य नहीं कर सकते हैं गया शहर की धरती को, इसलिए हमने किसी से पैसा नहीं मांगा है, और जीवन काल में हम जब तक जिएंगे तब तक ये काम मेरा नहीं होगा, ये काम मोहन श्रीवास्तव जी का रहेगा। मोहन श्रीवास्तव जी काम करते रहे हैं, इसके पहले भी आपको पता होगा कि किस केस में मोहन श्रीवास्तव जी फंसे हैं, ये किडनैपिंग हम पे कर रहे हैं, ये तो साक्ष्य के अभाव में छूटे हैं। पटना केस में लड़की वाला केस में साक्ष्य के अभाव में छूटे हैं, जिसका साक्ष्य हम पूरा इंतजाम कर रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि साक्ष्य 1-2 दिन में पूरा हम सारा कुछ जुटा कर करके हम 50 लोगों के साथ में इनके खिलाफ में हाईकोर्ट में केस करेंगे, याचिका दायर करेंगे, और याचिका दायर कर करके इनका पूरा केस, हम जो जो केस इनका है जो बंद हुआ है साक्ष्य के अभाव में भरी हुए हैं, उस केस को हम खुलवाएंगे। मेरा यही काम रह गया है, हम राजनीतिक आदमी हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक जनता के बीच में रहते हैं, हम जनता का काम करते हैं, हमने अपने जीवन काल में किसी तरीके का कोई कुकृत्य काम नहीं किया है। तो आपने सुना राजू बर्णवाल गया में एक प्रतिष्ठित नाम है, जदयू के जिलाध्यक्ष हैं, नगर महानगर गया महानगर के, और किस कदर राजू बर्णवाल उनके पीछे लगे हुए हैं ताकि उनके मोहन श्रीवास्तव के द्वारा राजू बर्णवाल जी से कुछ पैसे का दोहन हो
उनके जो नए भवन निर्माण हो रहे हैं उसमें उनको दुकान मिल जाए। और ये नहीं मिलने का वजह यही है कि इनका कैरेक्टर आप सब जानते हैं, इनका चरित्र क्या है वो सब जानते हैं। राजेश कुमार, बिहार न्यूज़ डॉट इन्फो।